तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग ऑफलाइन में, और काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। खैर, पीटी का पेपर किसका किसका नहीं है वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो आप लोग तो आ सकते हैं। किसका किसका है पीटी का पेपर वो हाथ उठाएं। तो जिनका है पीटी का पेपर उनको क्लास आने की जरूरत नहीं है, वो केवल एसटी देने के लिए आएंगे। एसटी यानी कि मॉक टेस्ट। 10:30 बजे से जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसको आइए दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका ऑफलाइन होना है, मतलब सॉरी, एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है। तो जब तक ओएमआर भरने की आदत और शीट से पढ़ के क्वेश्चन करने की आदत नहीं होगी, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके टेस्ट बचे, आज तीसरा चल रहा है, तो तीसरा आप लोग दे लेंगे अभी। अभी क्लास मेरी जब खत्म होगी तो मॉक टेस्ट उधर चलता रहेगा, आप लोग यहाँ बैठ के शीट बढ़ जाएगी, यहाँ दे लीजिएगा टेस्ट। समझ में आई बात? तो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, जिनका पीटी का पेपर है या जिनका सीजीएल का पेपर है वो बच्चे अभी क्लास में नहीं आए। बात हमारी समझ में आ रही है? क्लास आके अपना समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके पीटी के एग्जाम में आएगा नहीं। पीटी का मैथ्स का सिलेबस छोटा है ना, कितने लोगों ने तैयारी कर रखी है और किसको कॉन्फिडेंस है कि पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे? हाथ उठाइए, केवल 2-4 लोग। और लोग, आप लोग बहुत ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार हैं। इलाहाबाद में ऐसे ही बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं। माहौल बहुत खराब हो गया इलाहाबाद का। जब हम लोग तैयारी करते थे बहुत अच्छा माहौल था, अब बच्चे एकदम झंडूबाम टाइप के आते हैं, मतलब कोई स्तर ही नहीं होता बच्चों का, स्तरहीन होते हैं। और आप साफ साफ प्रमाण दे रहे हैं मुझे, 4-6 बच्चे कह रहे हैं कि केवल हम क्वालिफाई कर जाएंगे और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? आज क्लास कर लीजिए, ये क्लास यूट्यूब पे भी होगी। देखिए, इस बैच में ऑनलाइन माध्यम में जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का, वो वहां चलता रहेगा। यहाँ पढ़ाएंगे तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है? तो वहां चलता रहेगा। आपको नया बैच इसमें मिल जाएगा 25 तारीख से। 25 तारीख से नंबर सिस्टम मिलेगा आपको, 25 या 26 से नंबर सिस्टम से एकदम न्यू बैच आपको मिल जाएगा। एडवांस में भी शायद मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होनी है इस बैच में, तो आपको 25 या 26 तारीख से, मैं कल बता दूंगा, 25 की 26, जब बच्चों का ज्यादा फ्लो होगा। शायद मेरे ख्याल से 26 से ही ज्यादा बच्चे आएंगे, तो 26 से ही आपका नया बैच मिल जाएगा। उसमें चलेगा, आप सभी बैठ के सभी बच्चों को पढ़ना, नए बच्चे भी पढ़ेंगे। और जो, चूंकि हमारा बैच साइक्लिक होता है, हर नए टॉपिक के साथ नया बैच प्रारंभ होता है, तो एकदम फ्रेश न्यू बैच आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत और ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा, ठीक है? चलिए, आगे आने वाले समय में आपको पता है कि सीजीएल प्री, सीए चतल प्री, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? सीटी होगा। तो सीटी में भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। मैथ पर्याप्त होगी सीटी में, क्योंकि सेंट्रल लेवल का वो एग्जाम है, तो मैथ रहेगी पर्याप्त। तो ये सारी चीजें पढ़ना ही पढ़ना हम लोग को है, एडवांस और अर्थमेटिक, ये दोनों चीजें मजबूत करना है। तो आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एक जो सबको समझ में आएगा, नया पुराना कोई भी बालक बैठा हो सबको आएगा समझ में, वो है पॉलीगन। पढ़ा दे रहा हूँ, यूट्यूब पे भी ये पूरा लाइव रहेगा। यूपीएसआई के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर सेट में 2016 में एक क्वेश्चन आया ही आया है। 26-27 सेट थे, तो एक सेट, हर सेट में एक क्वेश्चन पॉलीगन का दिखाई दिया है। सीजीएल में भी, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आपको एक क्वेश्चन पॉलीगन का दिखता है। पॉलीगन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बहुभुज। वेरी गुड। पॉली मतलब ढेर सारी, बहुत सारी, गन मतलब भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीगन बोलेंगे। टॉपिक का नाम लिख दूं, फिर उसके बाद समझाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यस, बताइए। पॉली मतलब हो गया बच्चों बहु, और गण मतलब हो गया क्या? भुज। सही है, बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब क्या हो गई? भुजाएं। क्लियर हो गया, पॉलीगन का मतलब ये हो गया। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कोई बता सकता है? इज देयर एनी वन हु कैन आंसर इट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन? पॉलीगन की परिभाषा क्या होती है बच्चों? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पॉलीगन कहते हैं। आ रही बात समझ में? तीन से कम नहीं होनी चाहिए। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। लिख लीजिए, तीन या तीन से अधिक
भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। फिगर बाउंडेड बाई थ्री और मोर देन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। क्लियर है, पॉलीगन हो गया। आगे बात समझ में, हर एक बच्चा समझे। अब सबसे पहला वाला पॉलीगन जो बनता है वो क्या होता है, त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। फिर उसके बाद क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। फिर पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज। छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति षष्ठभुज। तो बच्चों इनका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों नाम आपको क्लियर होना चाहिए। आइए मैं लिखा देता हूं कुछ पॉलीगन, उनके इंग्लिश में भी नाम देख लीजिए और हिंदी में भी नाम देख लीजिए, आना चाहिए आपको ये चीज। साइड्स और ये है नेम है। देखिए तीन साइड होगा तो क्या होगा बच्चों, इसको बोलेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। चार साइड होगा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं चतुर्भुज। क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल। फिगर बना दूं तो बच्चों ये त्रिभुज का फिगर है। देखिए तीन भुजाएं है ना, तीन से घिरी हुई आकृति क्या हो गई, त्रिभुज। ये एक पॉलीगन है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या हो गई है, चतुर्भुज हो गई। इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब इसके बाद पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे, पंचभुज, पेंटागन। पंचभुज नोट करते हुए चलिएगा, पंचभुज। छह भुजाओं से घिरी आकृति को बोलेंगे षष्ठभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागन। वेरी गुड, पता है आप लोगों को षष्ठभुज। फिगर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पंचभुज है, षष्ठभुज बनाना है, षष्ठभुज गिन लीजिए, छह भुजाएं हैं इसमें, तो ये षष्ठभुज हो गया, हेक्सागन। क्लियर हो गया। अब सात भुजाओं में आए, नोट कर लिया इसको, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी ध्यान दें। अब जब सात भुजाओं की हम बात करेंगे, सात आठ नौ दस, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, देखिएगा सात भुजाएं हैं तो कहते हैं बच्चों इसको सप्तभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेप्टागन और सेप्टागन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, हेप्टागन और सेप्टागन, सेप्टागन। हिंदी सप्त भुज। क्लियर है, सप्तभुज। सात भुजाओं से घिरी हुई आकृति है उसको सप्तभुज कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में हेप्टागन और सेप्टागन, दोनों इंग्लिश है। आठ भुजाएं हैं तो क्या बोलेंगे, अष्टभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज। अब देखिए नौ भुजाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नोनागन। हिंदी है, शुद्ध हिंदी भी है, लेकिन हम इसको नौ भुज ही बोलते हैं, कितना हिंदी याद रखा जाए। इंग्लिश इतना नोनागन क्लियर है, मतलब नौ भुजाएं हो गई। अब देखिए दस भुजाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेकागोन। ये हो गया दस भुज, सही है, डेकागोन हो गया। याद रहे ये सब नाम क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद 11-12 ये भी नोट करा दें। देखिए 11-12 भुजा तक ही लेके चलेंगे, इसके बाद तो नाम बड़ा अजीब अजीब टाइप का मिलेगा आपको। 11 भुजाएं हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, 10 भुज तक को क्या बोलते हैं, डेकागन। 11 भुज हो गया
तो उसको बच्चों हैन डेकागन बोलेंगे, हैन HEN। ग्यारह भुज हिंदी में बोल दीजिए, 12 भुज है तो क्या बोलेंगे, डेकागन तो रहेगा ही, वेरी गुड, दो डेकागन, दो लग जाएगा, दो डेकागन सही है। ध्यान दीजिए, ये आपका 12 भुज तक हमने दे दिया, 13, 14, 15 ऐसे सारे रहते हैं, नाम भी उनका रहता है, तो नाम की जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत होती है तो इतना नाम तो जानिए ही जानिए आप, और इंग्लिश नाम जानिए, क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या करता है नाम, वो दो डेकागन लिख देगा, अब दो डेकागन आप जानते ही नहीं क्या होता है, तो आप 12 भुज मान के उसको कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपकी समय की जो मांग है हिंदी इंग्लिश बोथ आपको आना चाहिए, इसमें नाम क्लियर होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो देखिए अब सबसे पहले हम आएंगे बहुभुज के प्रकार पे बच्चों। तो बहुभुज मेनली टू टाइप्स के, एक होता है आपका उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। ध्यान से सुनिएगा, उत्तल बहुभुज क्या होता है, हेडिंग देंगे आप लोग जो लाइव हैं वो भी बच्चे ध्यान दें, उत्तल बहुभुज बहुभुज इंग्लिश है इसकी कॉन वैक्स पॉलीगन। ध्यान दीजिए कॉन वैक्स पॉलीगन, इसमें क्या होता है, अगर कोई बहुभुज है उसका प्रत्येक कोण, आंतरिक कोण आपका 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे आप, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। कोई भी बहुभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे आप, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। तो लिखिएगा, यदि किसी बहुभुज का, बहुभुज मतलब पॉलीगन, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अगर कोई पॉलीगन है उसका ईच इंटीरियर एंगल, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल प्रत्येक आंतरिक कोण लेस देन 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको उत्तल बहुभुज बोलेंगे। उत्तल लेंस देखे हैं आप लोग, पढ़े होंगे हाई स्कूल में, उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है ना इस तरीके से, है ना, ये उत्तल लेंस उठा हुआ है ना, तो उसी तरीके से बच्चों ये बहुभुज भी क्या रहेगा, इस तरीके से देखिएगा, उठा है कि नहीं, ये देखिए उठा हुआ यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी उठा है, यहां भी उठा है, यहां भी उठा है, ये दबा नहीं है, ये उठा है, इसलिए नाम इसका उत्तल पड़ा है, ये उभरा हुआ है ना इधर से, हर इस पे ये क्या है, उभरा है उत्तल लेंस की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, उत्तल बहुभुज। आप इसका कोई भी कोण लेने जाएंगे इसको आंतरिक कोण बोलेंगे, क्या है ये, आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ में, तो इंटीरियर एंगल आपका सबका सब 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 180 डिग्री से सारे सारे के सारे एंगल क्या है, कम है, दिखाई दे रहा है आपको सारे के सारे कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है, निश्चित रूप से कम है, दिख रहा है बच्चों, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम उत्तल बहुभुज कॉनवेक्स पॉलीगन। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, कोई भी बहुभुज जिसके आंतरिक कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है तो उसको बोलेंगे हम उत्तल बहुभुज। क्लियर हो गया, अब अगला क्या आएगा, अवतल बहुभुज कॉनकेव, दो लेंस होते हैं ना आपका, एक कौन सा, कॉनवेक्स और एक कॉनकेव, तो अब हम कॉनकेव पॉलीगन पे आएंगे, यानी कि अवतल बहुभुज पे आएंगे। आइए सबको ये समझ में आएगा, अवतल बहुभुज इंग्लिश है इसकी कॉनकेव पॉलीगन। इसमें क्या है, अगर किसी पॉलीगन का कोई एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव यानी कि अवतल बहुभुज बोलेंगे। लिखिए इसका डेफिनेशन, यदि
किसी बहुभुज का, कोई भी आंतरिक कोण, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिएगा, बना देता हूं एक फिगर। ये देखिए, धस गया ना, अवतल लेंस ऐसे ही होता है ना, धसा हुआ। क्यों बच्चे? अवतल लेंस ऐसा ही होता है, देखे हैं आप लोग, कॉनकेव लेंस इसको कहते हैं, धसा हुआ है ना। तो यहां भी देख लीजिए, ये चीज धसी है कि नहीं, धस गई यहां पर, दिखाई दे रहा है। तो ये जो आंतरिक कोण है मेरे बच्चों, ये निश्चित रूप से 180 डिग्री से ज्यादा है। हर एक बच्चा देखे, 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। इसका जो बाह्य कोण होगा वो नेगेटिव एंगल लेना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, कोण दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आई बात समझ में? तो इसका जो आंतरिक कोण है 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। हर एक बच्चा देखे, इसका बाह्य कोण क्या होगा, नेगेटिव। बाह्य कोण क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ये 180 से ज्यादा है, मान लिया ये 170 डिग्री हो गया, मान लिया सॉरी 190 डिग्री हो गया, कितना हो गया 190 डिग्री। तो इसका बाह्य कोण कितने का होगा, माइनस 10 डिग्री का होगा। कितने का होगा, माइनस 10 डिग्री का। अगर ये अकेले आंतरिक कोण कितने डिग्री का हो गया, 190 डिग्री का, मान लिया ये 190 डिग्री है, या 200 डिग्री है, मान लिया ये 200 डिग्री का कोण है, तो इसका बाह्य कोण कितने का होगा, माइनस 20 डिग्री का होगा। मैं आगे बताऊंगा कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अकेले आंतरिक कोण 200 डिग्री का है, तो बाह्य कोण पक्का किस में जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं। तो कोण नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये धस गया है कि नहीं, यहां पर धसा एक कोण, यहां क्या हो गया, धस गया। तो धसा हुआ सिस्टम किसको प्रदर्शित करेगा, कॉनकेव को, अवतल, अवतल चीजों को प्रदर्शित करेगा। तो इसीलिए बच्चों अवतल लेंस के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, अवतल बहुभुज। क्लियर है? ये कॉनकेव पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन में अगर कोई भी एक कोण भी 180 से बड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, धस जाएगा। जहां भी 180 से बड़ा होगा वो धसेगा ही। अगर ये भी 180 से बड़ा होता तो ये भी धस जाता, ये भी 180 से बड़ा होता तो ये भी क्या होता, धस ही जाता। आ रही बात समझ में? तो ये कैसा पॉलीगन है, ये है आपका कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज है। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, सबको आ रहा है समझ में? तो मैंने आपको बता दिया अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद आता है बच्चों सम बहुभुज और विषम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर समझ जाएंगे तो उसका अपोजिट क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो हम रेगुलर पहले समझा देते हैं आपको। रेगुलर मतलब सम बहुभुज, मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको कहते हैं सम बहुभुज। लिखिए, इसमें डाउट तो नहीं है अवतल बहुभुज में किसी को? देखिए, एक कोण 180 से बड़ा है, यहां का कोण है ना बड़ा, 180 डिग्री से ये कोण बड़ा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, अवतल बहुभुज कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं सम बहुभुज की। इंग्लिश है इसकी रेगुलर पॉलीगन। मैंने अभी अभी बताया, यदि किसी बहुभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सम बहुभुज बोलेंगे। तो डेफिनेशन में भी लिख लीजिए, यदि किसी बहुभुज की भुजाएं बराबर हो तो उसे सम बहुभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चों वर्ग, वर्ग क्या है आपका, एक सम बहुभुज है।
कहीं लग गया सम षष्ठ भुज, मतलब ऐसा षष्ठ भुज जिसकी छह की छह भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो जहां भी किसी पॉलीगन की अगर भुजाएं बराबर दिख गई तो उनके नाम से पहले जुड़ जाएगा सम। सम मतलब बराबर, रेगुलर। आ गई बात समझ में? अब देखिए, आप ज्योमेट्री में इतनी चीज जानते होंगे कि बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है? तो अगर अगर आपका बहुभुज सम है, मतलब भुजाएं बराबर हैं, तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो बाह्य कोण हो चाहे वो आंतरिक कोण हो। क्लियर है? लिखिएगा, सम बहुभुज के कोण भी बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर हैं तो अपने आप क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। कोण में आप समझ लीजिएगा प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर। आ गई बात समझ में? देखिए वर्ग है, वर्ग क्या है, ये समबहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं, ये है, ये रेगुलर पॉलीगन, ये वर्ग है। वर्ग क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। कोण भी सब क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है? ये आयत है, क्या ये आयत, यहां भी कोण क्या है, 90 डिग्री, सारे कोण बराबर है। क्या ये आयत रेगुलर पॉलीगन है? है नहीं है, साइड इक्वल नहीं है, आमने सामने वाले अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल नहीं है, सभी भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन होता है, लेकिन आयत रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। आप कहेंगे सर कोण तो बराबर है, तो कोण बराबर होने से क्या मतलब, रेगुलर पॉलीगन की परिभाषा क्या है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? ये भी ध्यान दे दीजिएगा, ये बड़ी मोटी सी छोटी सी बात है कि किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं, तो कोण आंतरिक कोण कितने हैं, चार है। इसमें कितनी भुजाएं, चार, तो चार कोण। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तीन, तो कोण कितने होंगे, तीन होंगे। पंचभुज में पांच कोण होंगे। तो बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण होते हैं। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूले पे, शीट आपकी टेलीग्राम पे डाली गई है, समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से, जहां नहीं आएगा पूछिएगा। यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हो, ध्यान से देखिएगा, n भुजाएं हो तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग, सम ऑफ, इंग्लिश में लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या हो जाएगा, 2n माइनस 4 और इंटू 90 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा, किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा मेरे बच्चों, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन कौन से होंगे, यही तो आंतरिक होंगे, ये आंतरिक है। अगर इस आंतरिक कोण का हम योग मांगे, आंतरिक कोणों का योग, तो किस फॉर्मूले से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें तीन है, तो यहां एन का मान तीन रख देंगे, तीन दुना छह, छह में से चार गया दो आया, और दो गुणे नब्बे कितना हो गया, 180। इसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया, 180। आप जानते भी हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूले से भी मैंने दिखाया कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है? तो याद कर लीजिए, अभी यहीं घर पे जाके ना याद करना पड़े, कोई बहुभुज है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 2n माइनस 4
इंटू 90 डिग्री, या कहीं कहीं किताबों में यह भी लिखा रहता है, ध्यान से देखिएगा, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री भी लिखा रहता है, यह भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, बात तो वही हो गई ना, 2 कॉमन लेंगे तो 90 दुना 180 हो जाएगा और यहां n माइनस टू आ जाएगा, बात एक ही है, तो एक ही याद करिएगा, 2n-4 × 90 डिग्री हमने बचपन से याद किया था इसलिए यही कराता हूं, सही है बच्चों, 2n-4 × 90 डिग्री हो गया ये। अब सुनिए, अगर हमारा बहुभुज सम है, हर एक बच्चा सुनेगा, सम बहुभुज है मतलब उसकी भुजाएं बराबर हैं, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अगर यही हमारा बहुभुज सम बहुभुज हो जाए तो इससे सभी कोणों का योग तो इतना होगा, सभी कोणों का योग इतना होगा, लेकिन अगर फिर हम प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना चाहें तो क्या करेंगे बताइए, एन से इसको भाग कर देंगे, कोणों की संख्या भी एन होगी, भुजाएं एन है तो कोणों की संख्या भी क्या होगी, एन ही होगी, तो एन से क्या कर देंगे भाग, पूरा 180 आया है, 180 में 3 से करेंगे भाग, तो 3 से भाग करने का मतलब क्या, कोणों की संख्या से भाग कर रहे हैं और कोणों की संख्या ही भुजाओं की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी, तो एन से भाग करेंगे, तो बच्चों एन की वैल्यू यहां इस क्वेश्चन के लिए क्या थी, 3, तो 180/3 यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहां पर एक और फॉर्मूला बनता है, सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, कभी भी प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेगा तो बहुभुज कैसा लेना पड़ेगा, सम बहुभुज ही लेना पड़ेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण किसमें बराबर होता है, सम बहुभुज में होता है बराबर, अभी अभी हमने आपको बताया है, बात समझ में आ रही है, सम मतलब बच्चों बराबर, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर है उसको सम बहुभुज बोलेंगे, तो बहुभुज की भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, तो बराबर कोण निकालने का तरीका क्या है, योग में कोणों की संख्या से भाग कर दीजिए, ये योग में भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए, क्योंकि जितनी भुजाएं और उतने ही कोण होने हैं, सही बात है, आ रही इस बात समझ में, तो देखिए यहां पर अगला फॉर्मूला बनेगा, अगर ये बहुभुज सम होता तो सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, योग जो है 2n-4 × 90 डिग्री, इसमें किससे भाग करिए, n से, तभी प्रत्येक बराबर बराबर जो आंतरिक कोण है वो पता चल जाएंगे, सही है, 180 आया था त्रिभुज के लिए योग, 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, वो क्या था, सम त्रिभुज था, सम त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज था, सम त्रिभुज का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के कोण भी तो 60 डिग्री के होते हैं, ये भी तो आपको पता है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, तो सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया 2n-4 × 90 डिग्री / n, सब बराबर बराबर इतने इतने डिग्री के ही होंगे, क्लियर हो गया, अब आइए इंग्लिश लिख दूं इसका, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, आ गई बात समझ में, 2n-4 × 90 डिग्री, अब आइए डिग्री लिख दें यहां पर, अब आइए अगला फॉर्मूला, बहुभुज के वाह कोणों का योग, हर एक बच्चा देखे वाह कोण कहां बनता है, कैसे बनता है वो देखिए, जैसे मेरे बच्चों ये कोई बहुभुज है, ठीक, आप जानते हैं कि ये आंतरिक कोण है, ये क्या है, आंतरिक कोण है, इसका वाह कोण क्या होगा, ये होगा, हाँ ये नहीं है इसका वाह कोण, वाह कोण क्या होगा, इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो ये वाह कोण है, आया समझ में, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाह कोण और ये आंतरिक कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये आंतरिक कोण और ये वाह कोण, आ रही बात समझ में, ये आंतरिक कोण और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, वाह कोण होगा, तो ये बहुभुज है, इसके वाह कोणों का योग, तीन वाह कोण है ना यहां पर, तो इसके वाह कोणों का योग क्या होगा बताइए, हमेशा और हमेशा 360 डिग्री, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी बहुभुज है, यहां तो त्रिभुज था, त्रिभुज के वाह कोणों का योग कितना, 360
60 डिग्री, हमेशा 360 होता है। कोई भी बहुभुज हो, चाहे उसमें 1 लाख भुजाएं हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट यहां लिखेंगे 360 डिग्री, 360 डिग्री। आप जानते भी थे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, जानते थे कि नहीं 360 डिग्री? तो कोई भी बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके भी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? 360। आप अगर चतुर्भुज की बात करें तो उसके भी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? 360। जैसे ये मान लिया आपका एक आयत, क्या ये बहुभुज है? बहुभुज है? कौन कह रहा नहीं सर? बहुभुज है, सम नहीं है, बहुभुज तो है ना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ये 90 90 90 90, इसका बाह्य कोण लेना है। तो ये बाह्य कोण होगा क्या? नहीं, ये बाह्य कोण नहीं है। इसको आगे बढ़ाइए, ये बाह्य कोण 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 है। इन चारों बाह्य कोणों का योग क्या होगा? देखिए, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो चतुर्भुज के भी बाह्य कोणों का योग कितना आ रहा है? 94 डिग्री आ रहा है कि नहीं? 360। अगर अभी मैं पंचभुज की बात करूं, षष्ठभुज की बात करूं, किसी भी भुज की बात करूं, बाह्य कोणों का योग निश्चित रूप से क्या होना है? 360 डिग्री होना है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे एग्जैक्ट आंकड़ा है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना? 360 डिग्री। चाहे बहुभुज में जितनी भी भुजाएं हो, n भुजाएं हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिए। चलिए इंग्लिश लिख दूं इसका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, हो गया 360 डिग्री। अब देखिए, अगर ये पॉलीगन हमारा क्या हो, अगर रेगुलर हो, सम बहुभुज हो, तो इसके आंतरिक कोण भी बराबर और प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर वहां प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला बनेगा, फिर प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला बनेगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या बनेगा? सीधे 360 में कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए, यानी कि 360 बटा क्या कर देंगे? n। जैसे त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अगर वो सम त्रिभुज है तो बच्चों प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 360 बटा 3, यानी कि 120 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज में आप जानते भी हैं ये 60 डिग्री है, तो पक्का ये कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। आप जानते भी हैं, फॉर्मूले से भी आप निकाल ले रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिख देते हैं। लिखिएगा, सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा में n, 360 बाई n। n ही भुजाओं की संख्या भी है, n ही कोणों की संख्या भी है, सही है? इंग्लिश लिख देते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हो गया 360 डिग्री बाई n हो गया। अब एक और बात आती है, विकर्ण की बात आती है, डायगनल। ध्यान से देखिए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चीज है, डायगनल वाली, वहां भी बताया जाएगा आपको। देखिएगा अगला फॉर्मूला, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, इंग्लिश है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? याद है किसी को फॉर्मूला? n ब्रैकेट में n माइनस 3 बाई, क्वेश्चन पूछता है भाई इससे, क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन क्या होगा? n, n माइनस 3 बाई 2।
सही है, एन एन माइनस 3/2। कोई डाउट? सही है। विकर्ण होता क्या है, नए बच्चे जानकारी ले लें। जैसे ये कोई चतुर्भुज है, विपरीत शीर्षों को, ये विपरीत शीर्ष है ना, अपोजिट वर्टिसेस है, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, ये विपरीत शीर्ष है, अपोजिट वर्टिसेस है, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण दिखाई दे रहे हैं? दो विकर्ण, दो दिख रहे हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने विकर्ण? एक भी नहीं, जीरो विकर्ण है, विकर्णों की संख्या शून्य है। विपरीत शीर्ष कहां है? नहीं मिला पाएंगे, यहां पर मिला पा रहे हैं। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ऐसे विकर्ण कितने हो रहे हैं? दो। विपरीत शीर्षों को, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाइए, विकर्णों की संख्या आ रही है दो। अगर आप यहां फिगर ना बनाएं, अगर आपसे पूछ ले कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी, तो दो कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूले के भी माध्यम से बता सकते हैं, एन एन माइनस 3/2, मतलब यहां एन का मान क्या रखेंगे? चार। एन क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो फोर, ब्रैकेट में 4 माइनस 3 यानी कि 1 आया, तो 4 × 1 4 हुआ, 4/2 2 आ गया। तो चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 2 हो गई। चतुर्भुज का एक इंग्लिश होता है क्वाड्रिलेटरल, और एक होता है बच्चों टेट्रागॉन। एक क्या होता है इंग्लिश? टेट्रागॉन। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कभी ये भी पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल के आगे लिख लीजिएगा टेट्रा, टेट्रागॉन, टेट्रागॉन भी होता है। ठीक है, अभी याद आया मुझे, चतुर्भुज की एक और इंग्लिश होती है टेट्रागॉन। ठीक, टेट्रा मतलब इंग्लिश में लिख देता है टेट्रागॉन। सही है। अब देखिए, पंचभुज की बात कह दे तो क्या आप फिगर बना के विपरीत शीर्षों को जोड़ने जाएंगे? नहीं। पंचभुज यानी कि पेंटागन, कितनी साइड होती है? 5। यहां रखेंगे 5, 5, और ये 5 माइनस 3 2 आ गया, 5 × 2 = 10, 10/2 कितना आया? 5 ही आया। पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी? 5। ये पेपर में पूछा जाने वाला ये सब सवाल है। ऐसे ही षष्ठभुज आ गया, तो षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी? 6, और फिर 6 माइनस 3 3 आया, 18, 18/2 यानी कि 9। पंचभुज में विकर्ण मिला के मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा, पेंटागन में फिगर बना रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5, ए बी सी डी। मेरे बच्चों देखिए, ई विपरीत शीर्षों को मिलाइए, सबसे पहले दिखाई दे रहा 1 2 हो गया, सही है, दो विकर्ण हो गए इधर, ये 3 और ये 4। अब देखिएगा, एक विकर्ण यहां से, 5, 5 विकर्ण हो गए, अब कहीं नहीं मिला पाएंगे, यही 5 विकर्ण है आपके। सही है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ना सारे बच्चों को? तो देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक और फॉर्मूला देख लीजिए बस, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिखा दूं एक्सटीरियर इंटीरियर कहां है, जैसे मान लिया ये कोई आपका बहुभुज है, ये अगर मेरे बच्चों आंतरिक कोण है, ये इंटीरियर है, तो ये कोण क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। ये सरल रेखा पूरी हो जाती है, और ज्योमेट्री में आपको बताया जाता है सरल रेखा पर जितने भी कोण बन जाए सबका योग 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कहीं भी देखा जाए, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपका एंगल से रिलेटेड हो गया और डायगोनल से रिलेटेड। अब पॉलीगन के एरिया से रिलेटेड भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आगे, जब क्वेश्चन आएगा तब, मेंसुरेशन में वो चीज नहीं बताई जाती, वो पॉलीगन में ही हम आपको बताते हैं, तो जब क्वेश्चन आगे आएगा तो बताएंगे। मेनली अभी हम लोगों को फोकस किस पे करना है? एंगल वाले क्वेश्चन पे। तो आइए, शीट है टेलीग्राम पे, देखिएगा। टेलीग्राम कितने बच्चे म्यूट करके रखते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता? हाथ उठाइए, अभी मैं चेक कर लूं तो इसमें 90% बच्चे म्यूट करके ही रखे होंगे। आप रखे हैं ना टेलीग्राम म्यूट करके? गलत बात है ना, टेलीग्राम ओपन करिए और अनम्यूट करिए उसको, तो साफ पता चल जाता है कितने लोगों ने म्यूट किया है।
मेरे शायद 90% बच्चों ने टेलीग्राम म्यूट करके रखा हुआ है। सूचना जाती है तो कोई मतलब नहीं होता उनको सूचना से। टेलीग्राम चैनल 90% लोगों ने म्यूट कर रखा है, ये गलत बात है। चलिए, कितने लोग इधर लॉकडाउन में यूट्यूब पे कुछ क्लास चल रही थी उसको देख रहे थे? हाथ उठाइए। दो चार ही छह लोग हैं, बाकी लोग देख रहे थे, हाथ क्यों नहीं उठाए? चलिए, अब तो ऑफलाइन ओपन हो गया है। मैंने आज 16 तारीख से इसलिए ओपन कर दिया कि एक फ्लो बन जाए और बच्चों को पता चल जाए कि क्लासेस सारी स्टार्ट हो गई है। सारी क्लास मैंने स्टार्ट कराई है, फाउंडेशन इंडिविजुअल सब सब स्टार्ट करा दिया है। लेकिन चूंकि पीटी का पेपर है तो हम एकदम नहीं कहेंगे कि क्लास करने आई है। आप लोग जिनका भी पीटी का पेपर है वो केवल मॉक टेस्ट देने आए 10:30 बजे, 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, देकर जाइए, शाम तक रिजल्ट लीजिए और सोल्यूशन उसका यूट्यूब पे देखिए, उसको तैयार करिए। ज्यादा से ज्यादा समय 8 से 9 घंटा लूसेंट पे दीजिए, पूरा पूरा उसको पढ़ डालिए, अच्छे से तैयारी प्रॉपर करिए। और फिर उसके बाद मैथ्स में कहीं कोई रुकने वाला नहीं है, डीआई के क्वेश्चन रुकते नहीं है कभी भी किसी के, सारे आंकड़े तो दिए रहते हैं, उसी के आधार पर आंसर देना होता है। 5 क्वेश्चन सिंपल सिंपल आपके अर्थमेटिक वाले आएंगे, आप सब मेन जो खेल है बच्चों वो किसका है? जीएस का है, पूरा खेला बच्चों जीएस का है। तो खेला होबे कि नहीं होबे बताइए, होबे। चलिए आइए देखिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शीट क्या टेलीग्राम पे बाबू? अभी अभी हमने बताया टेलीग्राम पे पॉलीगन नहीं आया है क्या? जरा बोलिए। चलिए आ जाएगा अभी, अशफाक सर को बोलिए, मैंने बोला था उनको डालने के लिए। इतनी सारी चीजें सब समझ में आई है कि नहीं आपको? कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को? सब समझ में आया है? ये फॉर्मूला फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब आइए, पहला सवाल है आपका, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग क्या होगा? क्या होगा? इसमें पहला सवाल है बहुभुज में 7 भुजाएं हैं, दूसरा सवाल है कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। तीसरा सवाल है बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, 12 भुजा वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं? डोडेकागन। क्या कहते हैं? डोडेकागन। 10 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? डेकागन। और 7 भुजा वालों को हेप्टागन या सेप्टागन। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, चौथा है 15 भुजा। चलिए देखिए, आपसे पूछा गया है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो आंतरिक कोणों के योग का अभी अभी फॉर्मूला बताया गया आपको, क्या? 2n-4 × 90 डिग्री। तो यहां सीधे योग निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा लेंगे 2n-4 × 90 डिग्री, तो 2 × 7 और -4 और × 90 डिग्री, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? ये आ जाएगा 900 डिग्री। कितना आ गया? 900 डिग्री। आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब आइए, 10 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 2 × 10 -4 और × 90 डिग्री, बताइए कितना आंसर? 1400, 1440। सही है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब इसके बाद देखिए, 12 भुजाएं हैं तो योग क्या होगा? ये सब सब यूपीएसआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। योग क्या होगा? सीधे 2 × 12 - 4 और × 90 डिग्री, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 1800 आ गया, 1800 डिग्री। और 15 भुजाओं वालों का बता दीजिए योग, 2 × 15 और -4 और गुड़े कितना? 90 डिग्री, कितना आएगा? 300, सॉरी सॉरी सॉरी, 2340 डिग्री। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखिए, आ गया, आ गया बच्चों टेलीग्राम पे। हो गया ना? अभी एसी नहीं चलवा रहा हूं, चलवाऊंगा।
करेक्शन क्या करे आदमी, कटवाना पड़ता है, लॉकडाउन में कौन दे रहा है। चलिए करेक्शन कटा नहीं, करेक्शन जुड़ा ही नहीं अभी तक, उसी समय से पिछले लॉकडाउन से ही कनेक्शन जुड़ा नहीं है। चलिए बिजली का बिल बड़ा गलत आ गया था, चलिए आइए, और आधे के हिस्सेदार हम होते हैं, आधा करियर कोचिंग देता है, आधा हम देते हैं। चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद है दूसरे नंबर का सवाल, हर एक बच्चा देखे, शिवम मिश्रा यूट्यूब पे भी आंसर दिए हैं 2340, गुड, सब फटाफट आंसर दे दे रहे हैं, बढ़िया। देखिएगा आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब आगे क्वेश्चन सवाल है दूसरे नंबर का आपका, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण, पहला सवाल है इसमें 120 डिग्री है, ये ईच इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री, भुजाओं की संख्या पूछा है। दो मेथड है इसको करने के, मेथड वन देखिए, ये एग्जाम का मेथड नहीं है, भुजाओं की संख्या इसका ओरल निकाल सकते हैं आप, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखिए 120 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिख देता हूं एक बार मैं, प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-4 और इंटू 90 डिग्री बाई एन, होता है कि नहीं। तो क्या 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई एन के इक्वल आप 120 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 120 क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण है, तो हम इस फॉर्मूले के इक्वल लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई एन के इक्वल लिख सकते हैं 120 डिग्री। आ रहा है समझ में बच्चों, अब इसको कटाना हो बड़े आराम से कटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n-12 इज इक्वल टू 4n हो गया, घटेगा ये इधर जाके तो 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 12, देन n इक्वल टू n बराबर आ गया 6, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6। लेकिन बच्चों जब इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन जब आप मेथड टू से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेथड वन था, आपने प्रत्येक आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगाया और सीधे 120 को इसके बराबर कर दिया, सही है, ध्यान दीजिए। अगर मेथड टू से करना है तो आप वाह्य कोण निकाल लेंगे इसका, अगर किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो प्रत्येक वाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक वाह्य कोण कैसे पता चलेगा, 180 में से 120 घटेगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा, कोई डाउट, जहां भी प्रत्येक कोण की बात बोला है पक्का वो समबहुभुज होगा, अंडरस्टूड है ना ये चीज, सम लिखे चाहे ना लिखे, समझिएगा इस बात को, प्रत्येक कोण की बात कर रहा है मतलब प्रत्येक कोण बराबर है यानी कि वो समबहुभुज है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो पक्का निश्चित रूप से प्रत्येक वाह्य कोण 60 डिग्री आएगा, क्योंकि आंतरिक कोण प्लस वाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है, तो हो गया ये 60 डिग्री, आ रही है बात समझ में। अब देखिए यहां पर भुजाओं की संख्या निकालने का एक सिस्टम लिखा जा सकता है, एन बराबर 360 डिग्री बटा में प्रत्येक वाह्य कोण लिख सकते हैं, कहां से आया ये, कहां से आया, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रत्येक वाह्य कोण बराबर 360 बटा एन, बताया था कि नहीं बताया था, हमने अभी बताया था कि प्रत्येक वाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा एन, तो बच्चों एन बराबर क्या आएगा 360 बटा, सही है, आप जानते हैं कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये सिस्टम नहीं बोलना है तो अपने एकदम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि प्रत्येक वाह्य कोण 60 डिग्री है और हम जानते हैं कि वाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो कितने वाह्य कोण बनेंगे 6,
आप देख रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो 360 डिग्री में 60 60 डिग्री वाले कितने कोण? 6 कोण। कैसे पता चलता है? 360 में आप 60 से भाग करेंगे तो 6 भुजाएं आ जाएंगी या 6 कोण आ जाएंगे। जितनी भुजाएं उतने कोण, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई नया बालक तो नहीं है जिसका आज पहला दिन हो क्लास में? कोई है ऐसा? आप लोगों को समझ में ये बात आ रही है? खड़े होइए, आपको ये बात समझ में आ रही है? सही बताइएगा, आपको आ रही है? थोड़ी बहुत पढ़े हैं मैथ्स आप, पहले पढ़े हैं तो ये बात, आंतरिक कोण बाह्य कोण वाली बात समझ में आती है कि नहीं? आपको आ रही है? और पीछे एक बालक है, आपको आ रही है बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बेटा मेरा ओरल तरीका होता है करने का। खैर, ये नया बैच नहीं है, नया बैच आपका 26 तारीख से मिलेगा आपको, नया बैच नंबर सिस्टम से 26 तारीख से। लेकिन फिर भी ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, नया बैच तो मिलेगा ही 26 तारीख से। नया टॉपिक ये जरूर है, लेकिन ये नया बैच इससे स्टार्ट नहीं किया जाता है। नया बैच परसेंटेज या नंबर सिस्टम, फ्रेश न्यू बैच आपको मिलेगा। आइए चलिए देखिए, तो n बराबर क्या आएगा? 360 बटा में 60 कर देंगे तो मेरे बच्चों कितना? 6। कोणों की संख्या भी 6 और भुजाओं की संख्या भी क्या हो गई? 6। तो ये तरीका अच्छा है कि ये तरीका? ये वाला अच्छा है। तो किसके माध्यम से आप ओरल आंसर दे सकते हैं? भाई प्रत्येक आंतरिक कोण आपका हो गया 120 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना? 60 डिग्री। तो बताइए, 360 तो पूरा योग होता है बाह्य कोणों का, तो कितने 60 60 डिग्री के कोण होंगे? 360 बटा 60 यानी कि 6 कोण होंगे। 6 कोण का मतलब 6 भुजाएं हो गई, जितनी कोण उतनी भुजाएं होती हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे करेंगे दूसरे मेथड से तो ओरल हो जाएगा। जैसे यही जैसे क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर का सवाल है 150। चलिए मेथड से बताइएगा, रुकिएगा मैं बच्चियों से पूछता हूं, आप बताइएगा, आप बताइएगा मेथड टू से बैठ के बताइए आप। 150 डिग्री है आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, हाँ माइनस करेंगे तो 30 डिग्री एक्सटीरियर आएगा, ये एक्सटीरियर 30 डिग्री का बाह्य कोण हो गया, आप क्या करेंगे? हाँ 360 में 30 का भाग कितना आ गया? 12। कितना आया? 12। तो 12 कोण या 12 भुजाएं हो गई। कर लिया ओरल, अगर आप पूरा करने जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये क्या है? यह है प्रत्येक आंतरिक कोण। बाह्य कोण क्या होगा इसका? आपसे पूछ रहा हूं, बाह्य कोण क्या होगा इसका? खड़े हो जाइए आप ही से, न्यू बालक, हाँ 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 चलिए, ये प्रत्येक आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण क्या होगा इसका? बाह्य कोण कितना मेरे बच्चे? ये देखिए, ये 150 डिग्री है, ये आंतरिक कोण है, ये 150 डिग्री है, ये आंतरिक कोण है, ये 150 डिग्री है, ये सब आंतरिक कोण है। तो इसका एक बाह्य कोण मैं आपसे मांगता हूं तो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आप जानते हैं इस तरीके के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस 360 डिग्री में ये 30 30 डिग्री वाले कितने कोण आएंगे? 12 कोण आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए? 12 कोण आ गए यानी कि 12 कोण, तो 12 भुजाएं हो गई, बस आंसर हो गया 12। ऐसे देंगे ओरल आंसर हम लोग, क्लियर है? चलिए बैठिए, सबको आ रहा है आप लोगों को? आइए, करने की जरूरत है कि रहने दें कि एक और कर दें? रहने देना बच्चों। चलिए तीसरे का आप ही लोग बता दीजिए, 60 डिग्री है प्रत्येक आंतरिक कोण। चलिए मैं पूछूंगा, आप क्या करेंगे? 60 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण है, आपको आपको खड़े होके बताना है, ठीक है? बच्चियों को केवल छूट है इससे, आपको नहीं। 120 होगा प्रत्येक बाह्य कोण, वेरी गुड। फिर 360 अपॉन 120 कर देंगे तो कोणों की संख्या आ गई 3, तो यही भुजाओं की भी संख्या होगी सीधे, 3 आंसर, वेरी गुड, बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए यहां पर n बराबर आ गया 3। अब 108 डिग्री के लिए पूछता हूं मैं। चलिएगा भाई, मास्क आप बताइए कितना आएगा?
72 आ गया, वाह कोण आ गया, प्रत्येक वाह कोण 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो एन बराबर क्या हो, 360 में 72 का भाग कितना आया, 5। ये भुजाओं की संख्या हो गई 5, या कोणों की संख्या क्या हो गई, 5, ऐसे ही हो गया। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आइए। आइए देखिए, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी जिसका आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान नहीं, आंतरिक कोणों का योग करिए, करेक्शन है। ये शीट मिलेगी आप लोगों को कल परसों, कल मिलेगी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यहां करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिएगा, आंतरिक कोणों का योग है, आंतरिक कोणों का योग क्या है, पहला है 28 समकोण है। देखिए यहां भी भुजाओं की संख्या पूछा है, यहां भी आपसे भुजाओं की संख्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। और एक ऐसा बहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योग 28 समकोण है, 28 समकोण का मतलब 28 गुणे 90, 28 गुणे 90 सही है, तो उसके एन की वैल्यू बतानी है। तो समबहुभुज, समबहुज नहीं, बहुभुज के कोणों का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 2n-4 और इंटू 90 डिग्री, और ये योग किसके बराबर होगा, 28 समकोण के, यानी कि 28 गुणे 90 के। बताइए 90 से 90 कैंसिल, तो n बराबर कितना, 16 आ गया। मतलब 16 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 28 समकोण होता है। फिर आइए दूसरे नंबर का सवाल है, 1440 डिग्री, यहां भी आंतरिक कोणों का योग क्या है, 1440 डिग्री है। तो बच्चों यहां क्या करेंगे बताइए, फिर से लिखेंगे 2n-4 और इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1440। बताइए n बराबर कितना आ रहा है, 10 सही है। हर एक बच्चा देखेगा सीधे फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, टेस्ट पेपर आ गया है ना, देखिए तो कितना बचा है, सही है। अब आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 4 आपका, क्या समबहुभुज बनना संभव होगा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। बच्चों देखिए इसमें क्या करना है आपको, n की संख्या निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालना है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर भुजाओं की संख्या पूर्णांक में आता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, तब तो बहुभुज बनेगा। ऐसा तो नहीं कह सकते ना किसी बहुभुज में 5.5 भुजाएं होंगी, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता किसी बहुभुज में 13.78 भुजाएं होंगी, ऐसा नहीं बोला जा सकता। मतलब कोई भी बहुभुज अगर बन रहा है तो भुजाओं की संख्या उसमें पूर्ण होगी और 3 या 3 से बड़ी होगी। एन का मान अगर 2 आ गया तो भी बहुभुज नहीं बनेगा, बहुभुज की परिभाषा ही यही है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। तो हमें यहां n का मान निकाल के देखना है, n का मान यदि पूर्णांक आ गया तो बहुभुज बनेगा, और n का मान अगर पूर्णांक नहीं आया तो बहुभुज नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में, तो आइए देखिए यहां पर चौथे नंबर की बात करें, तो पहला हमें चेक करना है 24 डिग्री, n का मान अगर पूर्णांक में आया और 3 या 3 से अधिक आया तब बहुभुज बनेगा। यदि n का मान पूर्णांक यानी कि इंटीजर में आए तथा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो तब बहुभुज बनेगा। आ गया समझ में, तभी बहुभुज बनता है, नहीं तो बहुभुज नहीं बनता। n का मान पूर्णांक में आना चाहिए और 3 या 3 से अधिक आना चाहिए।
24 डिग्री है, इसका एन निकालना है, तो बाह्य कोण इसका कितना होगा? 360, सॉरी 180 माइनस कितना? 24 डिग्री। कितना आ गया ये? 156 डिग्री आ गया, 156 डिग्री। तो एन अगर निकालने जाएंगे मेरे बच्चों, तो 360 में क्या करना होता है? 156 का भाग कटेगा? नहीं कटेगा। एन का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, अतः बहुभुज बनना संभव नहीं है। देख लीजिए, पूरा नहीं कटेगा। क्या बाह्य कोण ही है क्या ये? अच्छा, बाह्य कोण है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, बस ये चीज नहीं होगी, हमें लगा कि आंतरिक कोण है। ठीक है, बाह्य कोण दिया है तो ठीक है। एन का मान डायरेक्ट निकालिए, 360 बटा में 24 कितना आ गया? 15 आ गया, यानी कि ये पूर्णांक में आया ना, तो यहां पर यहां आपका बहुभुज बनेगा, ये पूर्णांक है, इंटीजर वैल्यू है, अतः बहुभुज बनना संभव है। अतः बहुभुज बनना संभव है। ठीक है, ये दिया था, ये बाह्य कोण ही दिया था, तो डायरेक्ट 360 बटा 24 करेंगे तो एन का मान आएगा कि नहीं आएगा? सीधे एन यानी कि भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या का मान आ जाएगा, आ रहा है 15। तो ये 15 भुजाओं वाला क्या हो गया? बहुभुज हो गया, बहुभुज बनना यहां संभव है। सही है, अब चलिए, हो गया। हाँ ठीक है, रखे रहिए, अभी टेस्ट देने वाले रुके रहेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। आपकी क्लास एक ही लूंगा मैं केवल, अभी पॉलीगन पॉलीगन कंप्लीट कर दूंगा, फिर 25 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में ऑनलाइन माध्यम में स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है, तो अपना चलेगा शाम के टाइम में। ठीक है बच्चे, आपका यहाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा नहीं सकते थे, कारण क्या था? तो कि कुछ भी समझ में ना आता, ये तो थोड़ा आ रहा होगा ना समझ में, आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। क्या हो गया बाबू? रिवीजन वीडियो, हाँ उसमें जो शाम में चल रहा है क्लास, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो अभी डाले जा रहे हैं, कारण क्या है? काम बहुत ज्यादा है मेरे पास, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने वर्क टाइम और स्पीड टाइम डिस्टेंस का रिकॉर्डेड डाला है, नहीं तो हमेशा लाइव ही चलता। काम बहुत ज्यादा हो गया इस समय, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 30 डिग्री। देखिए, अब मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा एक एक बच्चों से, बनेगा कि नहीं बनेगा बहुभुज। 50 डिग्री है, 70 डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक, अगर किसी बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री है तो क्या बहुभुज बनना संभव है? संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि यहां एन की वैल्यू क्या आएगी? 360 बटा 30 यानी कि 12 आ गया। यहां बहुभुज बनना संभव है क्या? यहां बहुभुज बनना संभव है? नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि यहां पर 360 बटा 50 करेंगे तो ये पूर्णांक में नहीं आएगा, तो पूर्णांक में मान आना चाहिए एन का, तो यहां पर बहुभुज बनना संभव नहीं है। अगर मैं पूछूं यहां बहुभुज बनेगा तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा, एन का मान दशमलव में आएगा, तो बहुभुज यहां भी नहीं बनेगा। क्या यहां बहुभुज बनेगा? ये तो कट जा रहा है, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, 3 या 3 से अधिक नहीं है, कम है, भले पूर्णांक है तो क्या बहुभुज नहीं बनेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, अब ऐसा ही सवाल आपका 5वें नंबर का है, आप इसका आंसर देंगे फटाफट। दिखाई दे रहा है पांचवा? क्या है पांचवा? सम बहुभुज बनना संभव होगा जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है। आंतरिक कोण 120 डिग्री है, समबहुभुज बनेगा? बनेगा। इसका बाह्य कोण कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। बाह्य कोण क्या आएगा? 60 डिग्री। एन बराबर निकालेंगे तो 360 बटा 60 यानी कि क्या आया? 6 भुजाएं, यानी कि बहुभुज बनेगा। अब देखिए, अगर मैं सीधे बात कर लूं चौथे वाले सवाल की, आंतरिक कोण 10 डिग्री है, कितने डिग्री? 10 डिग्री है, तो क्या इसमें बहुभुज बनेगा? क्या बहुभुज बनना संभव है? नहीं संभव है, क्यों? इसका बाह्य कोण कितना होगा? 170 डिग्री, और एन बराबर क्या आएगा? 360 बटा 170,
बच्चों ये पूर्णांकीय मान नहीं है। आ रहा है समझ में? कबूतरों को भगा दो आज ही अनिल, क्योंकि पंखे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा इनका, समझ रहे हैं? आप हटा दीजिएगा, कुछ अंडा वगैरह दी होंगी तो इधर उधर हटा दीजिएगा, ठीक है? या तल के खा मत जाइएगा। आइए देखिए बच्चों, अब इसके बाद आज हटा दीजिएगा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट के जिम्मेदार आप होंगे केवल केवल। क्यों बच्चों, सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? चलिए देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए। 20 डिग्री दिया हुआ है आंतरिक कोण, पूछूंगा मैं। आप भाई आप चलिए, आप खड़े होइए। हाँ, 20 डिग्री आंतरिक कोण है तो क्या समबाहुभुज बनेगा? क्यों? हाँ वेरी गुड, इसका प्रत्येक बाह्य कोण 160 डिग्री का होगा, और 360 में 160 का भाग करेंगे तो n का मान पूर्णांकीय मान नहीं आएगा, तो वेरी गुड, नहीं बनेगा, इस पे भी नहीं बनना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 साफ दिखाई दे रहा है, क्या है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो पहला सवाल है इसमें 20 है, भुजाएं इसकी क्या है? 20, n बराबर 20 है। आ रहा है समझ में? भुजाओं की संख्या 20 है, तो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला याद करें कि नहीं? n, n माइनस 3 और बाई 2, रट डालिए, कल पूछूंगा, जो नहीं सुना पाया फिर सोचिएगा क्या हल करूंगा उसका मैं। तो क्या हो जाएगा ये 20 माइनस 3 और बाई 2, मेरे बच्चों कितना, कितने विकर्ण? 170 विकर्ण, 170 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 170 विकर्ण होंगे। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, सही है? कुशल सर एक मिनट, ये कह रहा था कि एक वीडियो बना दीजिए, लक्ष्मी चौरा वाले बच्चे कर्नल शिफ्ट हो जाए या तो सिविल लाइन्स आ जाए या जगराम पे जाए या तेलियर, एक वीडियो बना दीजिएगा समय निकाल के 5 मिनट का। आपकी क्लास इंडिविजुअल वाली कब है? 12:45 है, तो टेस्ट इसमें कराऊं कि कहीं और करा लूं? टेस्ट कहाँ करवाऊं आपसे? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, टेस्ट 12:45 से यहाँ क्लास चलेगी ना, मैं अभी छोड़ने जा रहा हूँ इन बच्चों को, तो टेस्ट हो नहीं पाएगा इसमें, इनको कहीं अनिल बैठा के टेस्ट कराइए। जो जो बच्चे टेस्ट देना चाहते होंगे वो कहीं और चल जाएगी इंडिविजुअल, लाइव चल रही है क्या आपकी क्लास? लाइव नहीं तो कहीं और पढ़ा लीजिएगा, हम टेस्ट करवा लेंगे। चलिए बच्चों सही हो गया, आंसर दे लेंगे ना आप लोग विकर्ण वाले भी? अब मैं कल आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराऊंगा, अब आपके अच्छे सवाल शुरू होंगे भाषा वाले, तो कल उसको करवाऊंगा मैं। तो आज यही, अभी फिलहाल यही क्लास चलेगी आपकी पॉलीगन वाली। 26 तारीख से आपको चलना है नंबर सिस्टम और एडवांस में चलना है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग अब टारगेट आगे के एग्जाम का करना है, क्योंकि अब SSC मिलने वाली नहीं है, अब तो SSC देना नहीं है, मतलब SSC देना है लेकिन प्री नहीं देना है, तो प्री नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग CET पैटर्न के हिसाब से ही, अभी तो सिलेबस भी नहीं आया है लेकिन हम लोग को ध्यान में वही रखना है कि अब CGL प्री और CHSL प्री नहीं मिलेगा देने को, सीधे मेंस मिलेगा उसका देने को। तो हम लोग को तैयारी किस तरीके से करनी है वो उस पर ध्यान देते हुए चलना है। और अभी आप मैथ्स मजबूत कर लीजिए, ये दोनों सेक्शन आपके रहेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस CET के सिलेबस में 100% रहना है, आना ही आना है, तो इसको मजबूत करना ही करना है, तो ये पढ़ना है आप सभी लोगों को। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। कितने लोग मॉक टेस्ट देंगे, हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, मॉक टेस्ट देने वाले रुक जाइएगा, 2 घंटे का होगा। बच्चियों में कितनी बच्चियां दे रही मॉक टेस्ट? आप दे रही, और आप लोग PET नहीं देना क्या? आप लोगों को देना है तो टेस्ट देके जाइएगा, ठीक है? टेस्ट देके जाइएगा, जो भी बच्चे PET देना जरूर टेस्ट दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। भले क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन सही होंगे, फिर अब एक हफ्ते का समय है, आप उसको 60-70 में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कम से कम 60-65-70 तो रहिए ना PET के एग्जाम में, 65-65 पे क्वालिफाई, 65-70 पे बच्चा हो जाएगा बड़े आराम से, 65-65 पे लाखों लोगों को क्वालिफाई कराना है, समझ में आई बात? इसलिए दे लीजिए जरूर अच्छे से, एक हफ्ते की मेहनत और PET क्वालिफाई आपका हो जाएगा, तो कौन सा नुकसान हो रहा है? थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना एक हफ्ते का, रातों दिन करना है, खाना बाहर खा लीजिए या टिफिन लगा लीजिए एक हफ्ते तक, और ज्यादा से ज्यादा लूसेंट पढ़ने में और मैथ्स के जो टॉपिक्स है उसको लगाने में समय अपना व्यतीत करिए, आराम से निकल जाएगा आप लोगों का, समझ में आ रही बात? यस हाँ, वो शाम में